ट्रिप एक नए ड्रग को ध्यान से देख रहा था। एक आदमी उसे इसके बारे में बता रहा था। रेड की बात सुनकर ट्रिप पूछता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है? ये सुनकर रेड अपनी चेयर से उठता है और ट्रिप को मुक्का मारता है। ट्रिप सब समझकर उसे पैसे दे देता है और रेड उसे ड्रग। अब रेड चेंज लेने चला जाता है और ट्रिप चेयर पर बैठता है। रेड अपने कमरे में था और ट्रिप इसका फायदा उठाना चाहता था। वो जल्दी जल्दी रेड का ड्रग चुरा लेता है। तभी रेड आकर पूछता है, तो तुम आज एरिया 52 की तरफ जा रहे हो? रेड, हाँ टाइम हो चुका है। इसी के साथ वो चेंज लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रिप के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और तभी ट्रिप आ जाता है। अब गाड़ी के आगे नील बैठा था, जिसके साथ ड्राइविंग सीट पर बॉबी कट वाली गैलन बैठी थी। पांचों दोस्त वीकेंड मनाने एरिया 52 की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी के पीछे लंबे बालों वाली कुकी के साथ जैक बैठा था। जैक ब्लाइंड था। कुछ देर बाद एक मोटल में पांचों दोस्त थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। ट्रिप, नील और गैलन कुछ ऑर्डर करने वाले थे कि तभी ट्रिप को एक फोन आता है। दूसरी तरफ रेड था, मेरी वेबकैम ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो एरिया 52 में आकर मुझे मेरी ड्रग्स वापस दे दो। उसकी बातें सुनकर ट्रिप डर जाता है। नील पूछता है, क्या हुआ? ट्रिप कुछ सोच कर कहता है, रॉन्ग नंबर। कुछ देर बाद सभी दोस्त फिर से एरिया 52 की तरफ बढ़ने लगते हैं। गाड़ी में ट्रिप सभी को ड्रग्स दिखाता है, जिसके बाद गैलन गाड़ी को एक तरफ रोकती है। गैलन, चलो उतरो मेरी गाड़ी से। ट्रिप मजाक समझकर, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। गैलन, किसी को फोन करो। ट्रिप, यहाँ सिग्नल नहीं है। कुकी, तुम दोनों अपना मामला देखो, तब तक मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। अब गाड़ी से निकलकर कुकी वॉशरूम करने जाती है और ट्रिप गैलन को समझाने लगता है। ट्रिप फिर से सिग्नल चेक करता है और तभी आता है भूचाल का झटका, लेकिन सभी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। गैलन ट्रिप से, मैं तुम्हें मोटल तक वापिस छोड़ सकती हूँ। इसके बाद सभी दोस्त आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जिसके साथ ही एक मोटल था। ट्रिप गाड़ी से उतर जाता है, जिसके बाद सभी जाने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ट्रिप और गैलन गाड़ी को देखने लगते हैं, जबकि नील और कुकी एक तरफ बैठकर बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रिप ने भी गाड़ी लगभग ठीक कर दी थी, बस अब उन्हें गैस चाहिए थी, लेकिन स्टेशन पर गैस खत्म थी। अचानक गैलन, जैक कहाँ है? वो सभी जैक को देखने लगते हैं और तभी जैक मोटल से बाहर आकर कहता है, मुझे अंदर कोई आवाज नहीं सुनी। ट्रिप, कहीं ये बहरा तो नहीं हो गया? जैक दूर से, क्या हम उसी मोटल में हैं? अब सभी दोस्त मोटल में थे, जहां पहले भीड़ थी, लेकिन अब कोई नहीं था। रात होते होते मोटल में सभी दोस्त मदद ढूंढ रहे थे। ट्रिप गाड़ी पर चढ़कर सिग्नल ढूंढ रहा था। अंदर मोटल के एक कमरे में जैक पड़ा था, जिसके पास अभी अभी कुकी आती है। फिर कुकी की नजर पास पड़ी एक किताब पर पड़ती है, जिसे लेकर वो वहां से चली जाती है। उधर ट्रिप और नील गैस ढूंढते ढूंढते एक स्टोर में आते हैं, लेकिन स्टोर में भी उन्हें गैस नहीं मिलती और वो बाहर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कुकी गैलन के पास जाकर किताब खोलती है। कुकी, लगता है ये किताब किसी पागल ने लिखी है। गैलन, ये कोई अच्छा मोटल नहीं, तभी तो मैं अपने टेंट में सो रही हूँ। तभी ट्रिप आकर, मैं रोड तक जाकर आता हूँ। गैलन, मुझे नहीं लगता तुम्हें बाहर कोई मदद मिलेगी, लेकिन ट्रिप उसे अनसुना कर चला जाता है। कुछ देर बाद ट्रिप रोड पर जा रहा था, अपने पीछे आती एक गाड़ी को देखकर वो दौड़ता है और छुप जाता है। दरअसल उसे लगा था कि रेड आ गया जो उसे मार देगा, लेकिन गाड़ी यानी वैन में कोई दूसरा ही आदमी था, जिसे देखकर ट्रिप चैन की सांस लेता है। आदमी, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ, रोज को। ट्रिप उसे सुन रहा था। आदमी, क्या तुमने यहाँ किसी को देखा? ट्रिप, नहीं, मेरे दोस्त यहीं पास ही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आदमी,
तुम वहाँ से बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर ट्रिप खड़ा हो जाता है। आदमी खुश होकर, तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने कई घंटों के बाद देखा है। अब दोनों वैन में बैठकर मोटल की तरफ जा रहे थे। दोनों जल्दी ही मोटल के पास पहुंच जाते हैं जहां जैक और गैलन थे। आदमी वैन से बाहर आकर, मैं हेनरी, गैलन हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हेनरी सभी को बताता है कि वो सुबह से अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। हेनरी की छाती में भी दर्द हो रहा था। गैलन पूछती है कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ। हेनरी बताता है कि पहले तो वो मेरे साथ ही थी, फिर मुझे काला काला सा नजर आने लगा, उसके बाद से वो गायब है। कुछ देर बाद फिर से हेनरी की छाती में दर्द होने लगा और वो अपनी वैन में आ जाता है। अचानक हेनरी को बदबू सी आने लगती है जिसके बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं। वैन के बाहर ट्रिप वैन से पेट्रोल निकाल रहा था। अचानक ट्रिप का फोन बजता है जो उठाने पर कट जाता है। अब ट्रिप सिग्नल की तलाश में छत पर आ जाता है, लेकिन उसके पीछे एक भूत भी आ जाता है। कुछ देर बाद कुकी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ती है। बाथरूम में भी गंदी स्मेल आ रही थी। कुकी सीट पर बैठी थी और तभी उसके नाक से खून बहने लगता है। फिर उसे कोई नीचे सीट में खींच लेता है जिसके बाद उसे ग्राइंडर से पीस दिया जाता है। नील एक कमरे में बैठा गाने सुन रहा था। अचानक उसे कोई बेड के नीचे खींच लेता है। नील खुद को बचाकर बेड के ऊपर आ जाता है। नील कुछ सोचकर अपना जूता नीचे फेंकता है और तभी एक ग्राइंडर आकर उसे पीस देता है। ये देख नील पूरी तरह से डर जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी बेड की चादर उठाकर खिड़की से बाहर कूदता है। कांच टूटने की आवाज गैलन और जैक भी सुन लेते हैं। अब नील धीरे धीरे खड़ा होता है जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके गले में कांच फंस चुका था। फिर नील नीचे गिरकर मर जाता है। जैक और गैलन उसके पास आते हैं। गैलन नील को मरा देखकर बाकियों को बुलाती है, लेकिन अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। वो दोनों वैन में जाते हैं जहां हेनरी भी मरा पड़ा था। फिर गैलन जैक को वैन में बिठाती है ताकि वो वैन के वायरलेस से कोई मदद बुला सके। तभी गैलन के हाथ हेनरी की गन लग जाती है और वो बाकियों को ढूंढने जाती है। जैक वायरलेस पर मदद तलाश रहा था और गैलन कुकी के कमरे में आती है। वो वहां गन रखकर किताब उठाती है जो कुकी को पड़ी मिली थी। अचानक गैलन को कोई आहट सुनाई देती है। वो अपनी गन वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में आ जाती है। कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा था जिसे गैलन पढ़ती है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, अंधेरे और रोशनी के बीच का, दिन और रात के बीच का, जिंदगी और मौत के बीच का। यहाँ तुम या तो लड़ सकती हो या मर सकती हो। उधर जैक वैन से बाहर आ जाता है। वो वैन के साथ एक रस्सी बांधकर एक तरफ बढ़ता है। जैक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ काफी दूर आ चुका था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे वो डर जाता है। इधर गैलन वापस किताब रखने जाती है, लेकिन उसकी गन गायब थी। उधर जैक डरकर वापस वैन की तरफ भागता है, लेकिन किसी ने उसकी रस्सी तोड़ दी थी। अब गैलन जैक को ढूंढ रही थी और उसके सामने जैक के पास भूत था। गैलन जैक की तरफ भागती है जिसे भूत मार नहीं वाला था कि तभी ट्रिप आकर भूत पर गोलियां चलाता है और भूत भाग जाता है। गैलन जैक को उठाकर भागती है जिसके बाद वो दोनों ट्रिप के पास आते हैं। ट्रिप की भूत ने एक बांह काट दी थी। ट्रिप दोनों को स्टोर में लेकर आता है और गैलन को हथियार दे देता है। अचानक भूत आकर उन पर हमला करने लगता है। ट्रिप साथियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन भूत उसके पेट पर चाकू मार देता है। भूत अपना ग्राइंडर सेट करता है जिसके बाद भूत ट्रिप के पेट को ग्राइंड कर देता है। कुछ देर बाद गैलन जैक को अपनी गाड़ी में लिटा देती है जो बहुत डर चुका था। फिर वो हेनरी की वैन से निकाला गया पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालती है कि अचानक भूत उसके पीछे आ जाता है। गैलन बचकर अपनी गाड़ी में बैठती है। अब भूत सामने खड़ा था। गैलन अपनी गाड़ी को भगाती है और भूत को साथ लेकर हेनरी की वैन से टकराती है। गाड़ी में गैलन और जैक ठीक थे जिसके बाद दोनों वहां से चल पड़ते हैं। धीरे धीरे दिन निकल आता है और गैलन आगे बढ़ रही थी। अचानक भूत फिर आ जाता है। वो गाड़ी को ऊपर से काट देता है। तभी गैलन गाड़ी को घुमाती है और गाड़ी कई बार पलटी खाकर रुक जाती है। गाड़ी में जैक और गैलन बेहोश पड़े थे। तभी गाड़ी का शीशा तोड़
छोड़कर कोई गैलन को बाहर निकाल लेता है। वो उसकी सांसें चलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद गैलन को होश आ जाता है। गैलन को बचाने वाला रेड था। कुछ देर बाद पुलिस आकर रेड का शुक्रिया अदा करती है। गैलन को मेडिकल मदद दी जाती है। फिर पुलिस हेनरी की बीवी से पूछताछ करती है। वो बताती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया था। दरअसल जब हेनरी वैन चला रहा था, उसी समय आगे रास्ते में गैलन ने अपनी गाड़ी रोकी थी। जब कुकी वॉशरूम के लिए बाहर निकल रही थी, तभी एक और गाड़ी में रेड भी वहीं था। वो अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाकर रोक लेता है। कुछ देर बाद सामने से वैन आती है, जो सीधा गैलन की गाड़ी से टकराती है। इसी टक्कर में ट्रिप, कुकी और नील पहले ही मर चुके थे। भूत तो उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाता है। जैक और गैलन की जान खतरे में थी। वो दोनों एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो चुके थे। अगर दोनों भूत से हार जाते तो वो दोनों भी मारे जाते, लेकिन दोनों ने भूत का मुकाबला किया और अपनी जान बचा ली। दोस्तों, भूत यानी रिकर वो इंसानों को नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाता था। वो उन्हें उसी तरीके से मुक्त करता था जिस तरीके से उनकी मौत हुई थी। जैसे कुकी एक्सीडेंट के समय बाथरूम गई थी, जहां वो मारी जाती है, तो रिकर भी उसे वॉशरूम में ही मुक्त करता है। एक्सीडेंट में नील के गले में गाड़ी का शीशा चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रिकर भी उसे डराकर मजबूर करता है कि वो खिड़की से कूदे। एक्सीडेंट के समय ट्रिप बाहर खड़ा सिग्नल ढूंढ रहा था, जिसकी एक बांह कट जाती है और वो जख्मी हो जाता है। दरअसल ट्रिप एक्सीडेंट के बाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो रिकर से हार जाता है, जिस कारण असल जिंदगी में भी उसकी मौत हो जाती है। आज फिर एक परिवार कहीं जा रहा था कि अचानक उनकी गाड़ी एक हिरन से टकराती है, जिसके बाद गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, क्योंकि गाड़ी के शीशे पर हिरन का खून लग जाता है। परिवार का मुखिया और उसका कुत्ता पीछे आराम से पड़े थे, तभी गाड़ी को झटका लगता है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि अब रिकर उनको मुक्त करेगा। पूरा परिवार इस बात से अनजान था कि वो सभी मर चुके हैं। परिवार का आदमी अपना कुत्ता देखने जाता है। औरत बच्चों को गाड़ी में बिठाकर अपने पति को पुकारती है, लेकिन जब तक उसका पति वापस आता है, तब तक रिकर ने अपना काम कर दिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।